भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, महासचिव भूपेंद्र यादव की निगाह बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी सफलता पर टिकी है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को कोविड-19 और बाढ़ ने काफ़ी बदल दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसी जातिगत समीकरणों से काफ़ी संतुलित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में नीतीश शरद यादव को चुनाव से पहले जहां मनाने के प्रयास में हैं, वहीं हम के जीतन राम मांझी को साथ ले आए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स अस्पताल से राजनीतिक दाव खेल रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थितियां तेजी से लालू के अनुकूल हो गई हैं। खबर है कि शनिवार को हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद से भेंट की और बिहार में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जी हां, लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को ज़्यादा उत्साह ना दिखाने की नसीहत दी है। जी हां, राजद के सूत्र बताते हैं कि लालू ने यह कदम भोला राय, पंची लाल राय के जदयू में जाने तथा पुराने वफादार रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र के बाद उठाया है। जी हाँ, रघुवंश प्रसाद की नाराज़गी के चलते रमा सिंह की राजद में एंट्री भले ही प्रभावित हुई है, लेकिन इससे रघुवंश की नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी के बाद राजद को कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। टीम लालू एक बार फिर पुराने नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर है। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, लेकिन यह प्रयोग भी कुछ ही महीने रह सका। लालू की निगाह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों पर भी टिकी है। राजद समाजवादी पार्टी से तालमेल बनाकर बिहार में अपनी ताकत को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। देखना है कि उसका यह अभियान कहां तक सफल हो पाता है। हालांकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में किसी महागठबंधन जैसी कोई बड़ी उम्मीद नहीं रह गई है, लेकिन पार्टी ने सक्रियता तेजी से बढ़ाई है। कांग्रेस में शामिल हुए तारिक अनवर को पार्टी में महासचिव का पद देकर इसका संकेत दिया है। अपने नेता शकील अहमद की भी सक्रिय राजनीति में वापसी कराई है। स्थानीय स्तर पर जातिगत और समाजवादी समीकरणों को अंतिम रूप देना शुरू किया है। कुल मिलाकर पार्टी बिहार के सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार को राजनीतिक गोटियां खेलनी आती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से जोर आजमाइश में अंततः वह टिकटों के बंटवारे में अपनी पार्टी का हित साधने में सफल रहे थे। इस बार भी भाजपा ने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ठोस विकल्प ना होने के अभाव से जदयू के नेता बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनने की ही उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि भाजपा के एक विधायक ने फोन पर कहा कि चुनाव में सबसे बड़ा दल भाजपा ही बनने वाला है। सूत्र का कहना है कि हम के आने से भाजपा लोजपा जदयू गठबंधन के वोटों का आधार बढ़ गया है। खास बात यह है कि इस बार हम के आने से लोजपा के नखरे भी पहले की तुलना में कम हो गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही नीतीश कुमार रहे, लेकिन राज्य में वर्चस्व भाजपा का ही रहेगा। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।